दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप एंजल वन के अंदर अपना पहला शेयर बाय करना चाहते हैं, एंजल वन के अंदर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैसे आप ट्रेड करेंगे, एंजल वन के साथ अपनी पहली ट्रेड कैसे करते हैं। अगर आपने एक नया अकाउंट ओपन किया है और आपको नहीं पता है कि एंजल वन के अंदर पहला ट्रेड कैसे लिया जाता है, पहला शेयर आप कैसे खरीदेंगे और उसे आप कैसे बेचेंगे, तो बस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। या आपने अपना अकाउंट अभी ओपन नहीं किया है लेकिन आप जानना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करेंगे तो जब आपका सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाता है और आपका पहला ट्रेड यहां पर हो जाएगा 7 दिन के अंदर, तो हम आपको 100 रुपए आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर देंगे या हम आपसे बातें करेंगे और आपका QR कोड और आपका UPI ID लेंगे, वहां पर आपको हम 100 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि अगर आप लिंक से ओपन करेंगे तो हमें 300 का रिवॉर्ड देगा एंजल वन और उसमें से हम 200 रख लेंगे और 100 रुपए हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप किसी और के लिंक से ओपन करेंगे तो आपको कोई पैसा भी नहीं देगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिंक से हमारे ओपन करेंगे तो हम आपको 100 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और 200 रुपए हम रख लेंगे, क्योंकि एंजल वन एक अकाउंट ओपन करने का 300 का रिवॉर्ड अभी दे रहा है। तो आप जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए या अपने किसी भी फैमिली मेंबर का ओपन करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। और अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाए और हम आपसे बातें ना करें, कॉन्टेक्ट ना करें, तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यार इसने हमको पागल बना दिया। तो आप अपने इंस्टाग्राम पर जाएंगे और यहां पर ये हमारा आईडी है और इस आईडी पर हमें एक मैसेज जरूर कर देना या 2 मैसेज कर देना और हम आपके आईडी को देखेंगे, आपके मैसेज को देखेंगे और फिर अपने यहां पर चेक करेंगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हुआ है या नहीं। बस एक बात याद रखना कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन होना चाहिए और 7 दिन के अंदर आप एक बार कोई भी शेयर खरीद के बेच देना तो आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन और एक्टिवेट हो जाएगा और 100 रुपए के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस इतना जरूर आप याद रखना। आप बात करेंगे कि इसके अंदर शेयर को कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। शेयर को खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले अपने एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहां पर 300 रुपए का हमें वाउचर मिलेगा और उसमें से 100 रुपए हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यार आपके वजह से हमें 200 रुपए तो मिल जाएंगे और 100 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो हम यहां से आ जाते हैं बैक। इस तरीके से आपका एंजल वन ओपन हो जाएगा जब आपका अकाउंट इसके अंदर ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर करना क्या होगा, तो यहाँ पर आपको शेयर बाय करने के लिए पहली बार हो या आप कितने बार भी आप यहाँ पर शेयर बाय करें, प्रोसेस आपका एक ही रहता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे शेयर। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडेक्स दिखाई देते हैं, एक मिलेगा निफ्टी 50 का और एक मिलेगा बैंक निफ्टी का, तो इन्हें इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि ये आपके 50 कंपनियों से मिलकर एक इंडेक्स बना होता है और ये आपका हो जाता है बैंक निफ्टी। तो बैंक की कंपनियों से बनकर एक ये बैंक निफ्टी इंडेक्स बना होता है। अगर आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मार्केट का सारा हाल निकल कर आ जाएगा। जैसा कि अभी यहां पर आपको दिखाते हैं, अभी ये सेंसेक है, सेंसेक आज के दिन मार्केट में कितना प्लस में है, कितना माइनस में है, यानी कि कितना अपर है, कितना लोअर है। उसी प्रकार यहां पर निफ्टी का इंडेक्स आपको दिखाई देगा, कितना अपर है और कितना लोअर है। अगर आप इंडेक्स पर यहां पर निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो निफ्टी के अंदर जितनी आने वाली कंपनियां हैं उसकी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा और निफ्टी के ही अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा निफ्टी, यानी कि निफ्टी की ये 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी के अंदर लिस्ट हैं और ये उनमें से आपको दिखाई देगा टॉप गेनर, यानी कि आज के दिन सबसे ज्यादा किसने प्रॉफिट दिया है, यानी कि किसने सबसे ज्यादा परसेंटेज निकाल के दिया है। उसके बाद टॉप लूजर में आप क्लिक करेंगे तो आज के दिन सबसे ज्यादा यहां पर लूजर यानी कि सबसे यहां पर सबसे डाउन कंपनी कौन सा है आज के दिन, तो जैसा ये एक कंपनी है यहां पर HDFC यहां पर मैनेजमेंट लिमिटेड, तो ये आज के दिन 3.8% नीचे है। इसी प्रकार यहां पर एक मिलेगा बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो ये आपका 1.5% लगभग नीचे है। तो इसी प्रकार यहां पर अपने मार्केट की सारी आपको जानकारी मिल जाती है। अब बात करेंगे कि किसी भी शेयर के अंदर आप
आप अपना पहला शेयर कैसे खरीदेंगे, उसे आप कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे। पहले सर्च बार पर बस क्लिक करना होगा और जिस कंपनी के अंदर आप शेयर को खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का आप बस नेम यहां पर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहां पर क्या करते हैं कि हम यहां पर टाटा स्टील शेयर को खरीदेंगे, तो हम यहां पर सर्च करेंगे टाटा और स्टील। मैं यह सिर्फ आपको एग्जाम्पल के बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी खरीद लीजिए। जैसे ये आ चुका है टाटा स्टील लिमिटेड, अब इसे आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो टाटा स्टील का जो भी प्राइस होगा वो सामने आ जाएगा। जैसा कि यहां पर दिखाई देगा टाटा स्टील आज के दिन 4.19% ऊपर है, यानी कि सबसे गेनर में है, 4% का इसने आज हाई लगाया हुआ है, तो यहां पर दिखाई देगा। अब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर ऑप्शन चयन करना चाहते हैं तो ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें आपका एक मिनट में बहुत पैसा चला भी जाता है और आपका एक मिनट में पैसा बहुत सारा बन भी जाता है, तो हम इसे रिकमेंडेड नहीं करेंगे। सिर्फ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा बाय एंड सेल और यहां पर मिल जाएगा चार्ट। अगर आप टाटा स्टील के यहां पर शेयर का आप चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट निकल कर आ जाएगा। देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक इसने अभी तक इसने हाई लगाया हुआ है। अब आप यहां से बैक आ जाइए, यहां पर स्टॉक्स की डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टॉक की डिटेल देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इसका ओवरव्यू आ जाएगा। क्लिक करने के बाद बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा और इसका अभी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है वो आपको यहां पर दिखाई देगा कि इसका मार्केट प्राइस एक शेयर का है 128.010 पैसे, कहीं 5 पैसे, ये आपका ऊपर नीचे होता रहता है। अब आपको यहां पर मिलेगा डिलीवरी, यहां पर मिलेगा इंट्राडे, तो आपको हमेशा यहां पर डिलीवरी पर खरीदना होगा। और इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप आज खरीदेंगे और आज ही आप अगर बेच देंगे तो वो आपका इंट्राडे में आ जाएगा। तो इंट्राडे आप चाहो तो ले सकते हैं, चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हम यहां पर इसे छोड़ देंगे, डिलीवरी पर बाय करेंगे। जैसे कि क्या होगा अगर हम यहां पर एक शेयर को खरीदेंगे, इस तरीके से मैंने एक शेयर डाल दिया और एक शेयर का प्राइस हमें कितना देना होगा, तो 128.5 पैसे या 10 पैसे जो यहां पर चल रहा होगा। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिमिट और एक मिलेगा मार्केट, तो इनमें भी आपका फर्क होता है। अगर आप लिमिट लगाएंगे तो यहां पर आप जो लिमिट सेट करेंगे, जैसे हम यहां पर सेट करते हैं सिर्फ 128 रुपए, तो ये जो शेयर 128 में जब आ जाएगा तब हमारा बाय हो जाएगा, यानी कि मैं खरीद लूंगा। अगर आप इसके अंदर लिमिट लगा देते हैं कि हम यहां पर पावर कम कर देंगे, तो जब ये शेयर 127.95 पैसे का आएगा यहां पर, तो ये शेयर हमें मिल जाएगा। अगर यहीं पर आप मार्केट लगा देते हैं तो मार्केट का मतलब हो जाता है कि जो प्राइस यहां पर चल रहा होगा, 5 चल रहा होगा, 15 चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा उसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा, फिर आपको कुछ भी यहां पर करना नहीं पड़ेगा। तो चलो हम मार्केट प्राइस लगा लेते हैं, उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, आपको बाय पर क्लिक करना होगा। लेकिन यहां पर आपको पैसे सबसे पहले ऐड करने होते हैं, वो भी अभी आपको बता देंगे कि पैसे ऐड कैसे करते हैं। तो आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसे बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो बाय हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट, यानी कि आपका खरीद भी गया है आपका ऑर्डर। अब आपका यहां पर ऑर्डर आपको दिखाई देता रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे मैंने इतना रुपए 127 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट, यानी कि 128 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है और उसके अंदर हमें 127 रुपए बचे हुए हैं और इतने पैसे का हमें लॉस हो रहा है। इसी प्रकार आप यहां पर वॉच लिस्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर आपको यहां पर दिखाई देता रहेगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस शेयर को खरीदने का। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉफिट हो जाए, जैसा कि हमें इसमें 10 पैसे का अभी लॉस हो रहा है, यानी कि हमें घाटा है, अगर आपको यहां पर 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जैसे मैंने एक शेयर बाय किया है, अगर आपके पास पैसे होंगे तो यहां पर आप 10 शेयर, 20 शेयर को भी आप खरीदेंगे तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा घाटा भी होगा और ज्यादा से ज्यादा फायदा भी होगा, यानी कि मुनाफा भी होगा। तो अगर आपको 500 रुपए, 1000 रुपए यहां पर मुनाफे हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, तो आप इसे जल्द से जल्द बेच देंगे तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बेचने के लिए फिर आपको यहां से आपको आना होगा अपने होम पेज पर। आने के बाद आपने जिस कंपनी में अपना ऑर्डर लगाया था, जिसके अंदर आपने खरीदा है, उसका नाम आप यहां पर सर्च कर सकते हैं या आपको अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपका पोर्टफोलियो दिखाई दे जाएगा और यहां पर आपका करंट दिखाई दे जाएगा, इक्विटी। अब आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका वो कंपनी दिखाई दे जाएगा जिसके अंदर आपने शेयर को खरीदा हुआ है। अब आप इसे बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए आपको
अपने शेयर पर क्लिक करना होगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको एक सेल का ऑप्शन मिलेगा और एक मिलेगा बाय का। अगर आप और इसके अंदर खरीदना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करेंगे, अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप सेल पर क्लिक करेंगे और यहां पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसके अंदर आपने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसका मार्केट वैल्यू अभी उतना ही है और इसका एवरेज प्राइस इतना है, टुडे हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो यहां पर दिखाई देगा। जैसे हमें 25 पैसे 20 पैसे का लॉस हो रहा है, अब यहां पर आपको सेल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंट्राडे और डिलीवरी, तो यहां पर आपका डिलीवरी ही सेलेक्ट रहेगा क्योंकि आपने अभी अभी खरीदा था डिलीवरी में, तो आपको डिलीवरी ही सेलेक्ट करना होगा। चाहो तो आप इसे 2 दिन बाद भी बेच सकते हैं, चाहो तो आप इसे 2 साल बाद भी बेच सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। मैं आपके सिखाने के लिए, मैं आपको बताने के लिए अभी इसे खरीदा और अभी आपको बेचकर दिखा रहा हूं। अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके पास से कितने शेयर हैं। जैसे आपने अगर 10 शेयर लिए थे तो आपको 10 शेयर यहां पर दिखाई देते और उनमें से अगर आप 1 बेचना चाहते हैं, 5 बेचना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल देंगे। हमारे पास सिर्फ 1 क्वांटिटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 1 शेयर खरीदा था तो हमारे पास 1 है, तो हम यहां पर 1 डाल देंगे। और कितने रुपए में बेचना चाहते हैं, तो अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, अभी मैंने खरीदा था 128 रुपए में, लेकिन इसका प्राइस अब यहां पर कम हो गया है तो हमें लॉस हो गया है। अब इसका प्राइस चल रहा है 127.55 और 60 पैसे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा बहुत सारा समय लग जाएगा। आप चाहो तो लिमिट लगा सकते हैं कि हम इस शेयर को उतने ही रुपए में बेचेंगे, तो आप यहां पर इस तरीके से सेट कर देना और आपका लिमिट पर हो जाएगा और सेल पर क्लिक कर देना। तो जब आपका इतना प्राइस यहां पर आपके सामने आ जाएगा मार्केट के अंदर, तो आपका शेयर बिक जाएगा, लेकिन हम इसे मार्केट के हिसाब से बेचना चाहते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब यहां पर आपको सेल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस सेल पर क्लिक करेंगे कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके अंदर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर होगा वो यहां पर ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट, यानी कि आपका ऑर्डर जो है वो आपका सेल हो गया है। यहां पर आपने खरीदा था, यहां पर आपने बेच दिया है, तो मैंने 128 रुपए का खरीदा था और 127.50 पैसे का बेच दिया है, तो हमें यहां पर 50 पैसे का लॉस हो गया है, जो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा कि आपको कितना लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप एंजल वन के अंदर बिल्कुल अपना आसानी से पहला ट्रेड कर सकते हैं, पहला शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको यहां पर कोई भी परेशानी मिलती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप आसानी से ओपन कर लेना, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट अगर आप हमारे लिंक से ओपन करेंगे तो हमें 300 रुपए का वाउचर मिलेगा, उसमें से हम आपको 100 रुपए ट्रांसफर कर देंगे आपके QR कोड पर या आपके मोबाइल नंबर पर या आपको यहां पर UPI ID में। बस आपको वीडियो जो देख रहे हैं, इस वीडियो के आपको टाइटल पर क्लिक करना होगा और यहां पर आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा लें, अपना या अपने किसी फैमिली मेंबर का। और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप इसी तरीके से पहला ट्रेड अपना कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी अभी किया है, यानी कि शेयर को खरीदा है और बेचा है और पिछले 7 दिन के अंदर, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे 100 रुपए हमसे लेने के लिए। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाए और हम किसी वजह से हम आपसे बात ना कर पाए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कर देना, ये हमारा यूजर आईडी, अब यहां पर हमें मैसेज जरूर कर देना, तो हम आपको जरूर आपके 100 रुपए दे देंगे अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हुआ होगा और आपने 1 सप्ताह के अंदर अपना ट्रेड कंप्लीट किया होगा। तो मैं आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।